हमास के रॉकेट से बार बार बचे ब्रिटेन के विदेश मंत्री। आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। इन तस्वीरों में भागते नजर आ रहे कुछ लोगों में शामिल हैं ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली। ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एक वीडियो में देखा जा सकता है कि उफाकीम में रॉकेट हमले के बाद जैसे ही सायरन बजता है, विदेश मंत्री और उनके साथ मौजूद अन्य लोग पास के एक बिल्डिंग में जान बचाकर भागते हैं। सायरन इसलिए बजता है क्योंकि वहां पर रॉकेट हमला होने वाला था। वहीं इसराइल के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास द्वारा रॉकेट हमले होने के बाद इस तरह का सायरन बजता है। विदेश मंत्री बुधवार को ही इसराइल के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हम इसराइल के साथ खड़े हैं। वहीं इस पूरे मसले पर भी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि हमास के आतंकियों ने इसराइल में मासूम लोगों का नरसंहार किया है, ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमास ने जो भी किया है वो ISIS द्वारा किए गए कामों से भी क्रूर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।